हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। किसान आंदोलन को लेकर सीएम की ओर से कहा गया कि पीएम कृषि कानून वापस ले जाने का ऐलान कर चुके हैं, ऐसे में किसानों को अब आंदोलन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही करप्शन को लेकर किस तरह से विपक्ष पर सीएम बरसे हैं, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि पीएम बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके, अब आंदोलन खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये तो किसानों से पूछा जाए, जब उनकी मांग थी कि हाँ ये वापस करने चाहिए। हालांकि एक बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था जिससे किसान वंचित रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हठ बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें, फिर भी अगर रखेंगे तो उनसे पूछेंगे क्यों रखा हुआ। वही हरियाणा लोक सेवा आयोग के उपसचिव के रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी पर सीएम की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार शुरू से ही करप्शन खत्म करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, जिसके चलते गिरफ्तारियां भी की जा रही है। कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरियां लेने की कोशिश की है, उसको डिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको पकड़ा है और पकड़ करके करोड़ों रुपए जो इकट्ठे कर लिए गए थे, अब उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली वो तो अभी बीच में ही है, रिजल्ट ही बीच में है। लेकिन कम से कम जिन्होंने पैसे इनको दिए होंगे, तो जो गलत काम करने वाले चाहे दलाल हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, या जिन्होंने पैसे दिए हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा ताकि आगे इस विषय को कोई करने की हिम्मत न कर सके। सीएम इस दौरान विपक्ष पर वार करना नहीं भूले, पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। हम मिशन मेरिट चालू किया था, लगातार चालू रहेगा। इसमें कहीं भी कहीं से कुछ शिकायत आएगी, कहीं से कोई लूपहोल मिलेगा, उसको चेक करेंगे, बंद करेंगे। ये तो हमारे समय में हम कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में, पिछली सरकारों के समय तो इस प्रकार की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कि वो अपने समय में इस प्रकार के जो फॉल्ट थे उसको कभी चेक किया हो, कभी पकड़ा हो। कुल 7 FIR 10 साल में उन्होंने की, जबकि ये खेल तो बहुत पुराने चल रहे हैं। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को तो इन बातों को लेकर सजा हो गई 10 साल की, तो वो कैसे कहते हैं कि हाँ ये चीज उस समय नहीं होती थी। लिहाजा सीएम ने जहां किसान आंदोलन के अब भी जारी रहने पर सवाल खड़े किए, तो करप्शन को लेकर सरकार को घेर रखे विपक्ष को भी निशाने पर ले लिया। कांग्रेस से लेकर इनेलो तक को भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ने घेरा है। ऐसे में कांग्रेस और इनेलो की ओर से सीएम के वार पर क्या पलटवार आता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक।